गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में जो है हम लोग अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मींस इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। और इम्यूनोग्लोबुलिन में मैंने आप लोगों को IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ IgA के बारे में। ठीक है, ये IgA जो है ये सेकेंड हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है। हम लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा था वो था हमारा IgG जो सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाता था। ठीक है, ये हम लोगों ने IgG में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगी आप लोगों का IgA के बारे में। अगर IgA की बात की जाए तो IgA जो है सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर एब्यूडेंटली मतलब आपके प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है आपका सीरम में और म्यूकस में। आपका जो नेजल म्यूकस होता है उसमें, नेजल म्यूकस मतलब जो नाक के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें, म्यूकस में, और आपका नेजल म्यूकस, फिर सलाइवा आप लोग की लार में, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क माँ के दूध में, ब्रेस्ट मिल्क, एंड उसके बाद जो है ये आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। मतलब आप लोगों के आंतों में जो फ्लूइड भरा रहता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में भी ये IgA जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाए IgA के, तो IgA जो है आपकी बॉडी का जो 10% हिस्सा है, आपके बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब जितने भी एंटीबॉडी पाए जाते हैं उसका 10% हिस्सा जो है वो क्या होता है, IgA, मतलब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो आपकी बॉडी के टोटल एंटीबॉडी का 10% जो है वो आपका कौन क्या होता है, IgA एंटीबॉडी का बना होता है। IgA की अगर बात की जाए तो IgA जो है, एक मिनट, 10 से 15%, 10 से 15% जो हिस्सा है वो आपके बॉडी में IgA का मिलकर बना होता है। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन मतलब इंसानों के शरीर के बारे में बता रही हूं मैं। IgA फॉर्म्स डाइमर्स, दैट इज टू IgA मोनोमर्स जॉइंड टुगेदर। ये जो है IgA जो है ये डाइमर्स बनाते हैं। डाइमर मतलब जो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं उन्हें हम डाइमर बोलते हैं, और डाइमर किससे मिलकर बने रहते हैं, मोनोमर से। मतलब दो मोनोमर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, डाइमर। जैसे एकलक और एकलक मिलकर क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं ना, उसी प्रकार से दो मोनोमर रहेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपका डाइमर क्रिएट करते हैं। तो ये IgA जो है डाइमर बनाते हैं। किस चीज का डाइमर बनाएंगे आपका, दैट मीन्स यहाँ पर मोनोमर के रूप में एक IgA यहाँ रहेगा और दूसरा IgA यहाँ रहेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए, IgA का एक डाइमर क्रिएट किए। ये डाइमर किस चीज का बनाए उन लोग, IgA का डाइमर जिसमें दो IgA के मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, IgA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ नियोनेट्स फ्रॉम पैथोजेंस। अब अगर बात की जाए आपके, मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं जैसे कि सीरम में पाया जाता है, म्यूकस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में पाया जाता है, तो अगर ये जो ब्रेस्ट मिल्क है अगर इसकी बात की जाए तो ब्रेस्ट मिल्क में जो ये आपका IgA है उसके रहने का रीजन ये है कि जब बच्चा जो है माँ का दूध का सेवन जब करता है तो उसके साथ ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ ये जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ये जो एंटीबॉडी है वो भी बच्चे की बॉडी में जाती है और बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। बच्चे का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उस पे ये जो एंटीबॉडी है वहां पर जाके बच्चे की बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करती है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड जो है इंग्लिश का वर्ड है जो मुझे भी एक्चुअली मुझे भी ये नया चीज पता चला। यहाँ पर देखिए नियोनेट्स करके यूज किया गया है वर्ड। ठीक है, नियोनेट्स का मतलब होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को एकदम जन्म लिया हुआ बच्चे को जो है उसे उसके लिए हम नियोनेट्स भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में।
यूजुअली अभी तक के हम इंग्लिश का एक इन्फेंट वर्ड ही यूज करते थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पर एक नियोनेट्स यूज किया गया है। तो नियोनेट्स आप लोग याद रखेंगे कि नियोनेट्स मतलब एकदम जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसे हम बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड्स अगर एग्जाम में आते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि क्या है करके, कई बार क्वेश्चन पूछता है क्योंकि, ठीक है। तो नियोनेट्स में ये आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो है बच्चों में जाते हैं न्यूबॉर्न बेबीज में, और उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाकर। उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर किसी भी प्रकार का पैथोजन है, मतलब जो उनकी आंत है, आंत में अगर किसी प्रकार का पैथोजन है, परजीवी है, तो उससे रक्षा करने का काम करते हैं ये IGA जब वो न्यूबॉर्न बेबी में जाते हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी में ही आगे देखें दूसरे दूसरा कुछ फंक्शन इसका, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। IGA की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो ये कि अगर कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई फंगस है, उसके द्वारा आपका एंटीजन जो है बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो उससे बाइंड होकर उससे लड़ने का काम कौन करता है? IGA करता है। इट एग्रीगेट्स द एंटीजन एंड कीप्स देम इन द सिक्रीशन, सो व्हेन द सिक्रीशन इज एक्सपेल्ड सो इज द एंटीजन। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो सीरम में पाया जा रहा है, ठीक है। नाक के अंदर जो आपका म्यूकस है उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है सलाइवा, मतलब जो लार है उसमें, और उसके बाद आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने का रीजन तो हमने देख लिया, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं क्या आपने नोटिस किया कि सभी लिक्विड फॉर्म में है? इसके लिक्विड फॉर्म में होने का रीजन ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि जो IGA है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है कि अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर कोई भी एंटीजन अगर एंटर कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली बैक्टीरिया भी एक एंटीजन ही है, अगर बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो अगर वो नाक के थ्रू एंट्री कर रहा है तो नाक के म्यूकस में क्या प्रेजेंट है? आपका IGA। और IGA जो है ये जो म्यूकस में अगर प्रेजेंट है तो वो उसको वहीं खत्म करने की, उससे वहीं लड़ने की कोशिश करेगा। और जब सिक्रीशन होगा, जब आप नाक को अपने क्लीन करते हैं या फिर जो हम ब्रश ब्रश करते हैं फिर हाथ मुंह धोते हैं, तो हमारी जो नाक है वो भी क्लीन होती है उस टाइम समय जब फेस हम लोग वॉश करते हैं, तो अच्छे से वॉश करते हैं तो। और अगर हम लोग के सलाइवा में है ये वाला जो आपका IGA है, तो सलाइवा में लोग रोज गार्गलिंग करने का काम भी करते हैं, तो इस तरीके से क्या करता है, सिक्रीशन जब होता है तो ये अपने आप जो है वो निकल जाए, ये इसे वहां पर अटैक भी करे, उस पर खत्म भी करे उसको, ये उस एंटीजन से बाइंड हो जाएगा और वो सिक्रीट होके वो सांस में बाहर निकल भी जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी जो है स्ट्रेटेजी है काम करने की IGA की, ताकि वो सिक्रीशन के द्वारा जो है ये एक्सपेल हो जाए, बाहर हो जाए आपका जो एंटीजन है वो। IGA इज ऑल्सो फर्स्ट डिफेंस फॉर म्यूकोसल सर्फेसेस सच एज द अगर बात की जाए तो सबसे पहला डिफेंस जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ा था जब, तो हम लोगों ने देखा था कि जो बैरियर्स आते हैं उन बैरियर्स में भी वहां पर भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सलाइवा में ये एंटीबॉडी अगर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो IGA करके बता सकते हैं। नोज में आपका क्या पाया जा रहा है, नोज के म्यूकस में क्या पाया जा रहा है, आपका IGA पाया जा रहा है। तो ये पहला डिफेंस करने का काम करते हैं। अगर बॉडी में माउथ के द्वारा या नोज के द्वारा कोई भी एंटीजन अगर एंटर करना करने की कोशिश करता है फिर एंटर कर रहा होता है उस टाइम, तो पहला डिफेंस जो है ये IGA जो आपका आपका एंटीबॉडी है या फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो सबसे पहले जो है आपका एक्ट करता है उस पे, ठीक है। तो ये था आपका IGA। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IGM। IGM IGM की अगर बात की जाए तो IGM usually circulates in the blood accounting for about 10% of human immunoglobulin। Humans में मतलब इंसानों में जितने immunoglobulin पाए जाते हैं उसका 10% जो हिस्सा है
वो किसका बना होता है? आईजीएम का मिलकर बना होता है, और आईजीएम जो है आपके कहाँ पर? ब्लड में सर्कुलेट होता है, इट सर्कुलेट्स इन ब्लड, ब्लड में ये सर्कुलेट होते हैं। ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और आईजीएम हैज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इन विच फाइव बेसिक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर। इसका जो शेप रहता है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा? कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब एक मिनट, मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पांच जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो जुड़े हुए हैं, एक ये 1 2 3 4 5, इसलिए इसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो सर्कुलर फॉर्मेट में है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर जो है ये आईजीएम का रहता है। आईजीएम जो है ये इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फाइव बेसिक वाई शेप्ड के मॉलिक्यूल्स जो है वो लिंक्ड रहते हैं। फाइव बेसिक वाई शेप्ड के मॉलिक्यूल्स जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने बनाया है अभी। और बी सेल्स प्रोड्यूसेस आईजीएम फर्स्ट इन रिस्पांस टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हुआ है तो उस स्थिति में जो बी सेल होते हैं आपके, जो बी सेल होते हैं वो सबसे पहले माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने की स्थिति में इस आईजीएम को ही बनाते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि बी सेल ही डिफरेंशिएट होके क्या बनते हैं? प्लाज्मा बनते हैं, और प्लाज्मा फिर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। ये हम लोगों ने स्टेप बार बार रिपीट किया है, याद रखेंगे सभी इस चीज को। ठीक है, तो ये बी सेल जो है, अगर इसको पता चलता है कि अगर जो इन्फेक्शन देने वाला जो एंटीजन है अगर वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो उस स्थिति में जो पहले आईजीएम को ही निर्मित करता है, आईजीएम को ही बनाता है। ऑल दो आईजीएम हैज ए लोअर एफिनिटी फॉर एंटीजन देन आईजीजी, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए अगर एक, तो फिर आईजीएम जो है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेरिजन टू आईजीजी, क्योंकि आईजीजी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है और आईजीएम उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे फर्स्टली बनाया जाता है ताकि इससे अगर काम चल रहा है तो हम दूसरे वाले एंटीबॉडी को क्यों यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा से कम पावर का है, लेकिन पहले इसको यूज करके देखा जाए, इससे पहले अटैक करके देखा जाए। इट हालांकि इसकी लोअर एफिनिटी है बट इट हैज हायर एविडिटी फॉर एंटीजन बिकॉज ऑफ इट्स पेंटामेरिक एंजाइमेरिक स्ट्रक्चर, लेकिन इसके कम एफिनिटी, लोएस्ट एफिनिटी होने की वजह से भी इसे सबसे पहले बनाने का और सबसे पहले अटैक करने के लिए भेजने का रीजन है इसका ऐसा स्ट्रक्चर होना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है, दैट मींस कि यहां पर से बहुत सारे जो एंटीजन है वो जुड़ पाएंगे, बट ऑब्वियस है यहां पर आपके वेरिएबल रीजन जो है, यहां पर तो एंटीजन जुड़ते ही हैं, तो इस वजह से इसके स्ट्रक्चर पेंटामेरिक और या फिर हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर के जो ये होते हैं, इसकी वजह से ही इन्हें सबसे पहले जो है प्रोड्यूस किया जाता है बी सेल के द्वारा, और इन्हें ही सबसे पहले अटैक करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, IgM by binding to the cell surface receptor also activates the cell signaling pathway। जब कभी भी आपके सेल सरफेस से, सेल की सतह पर जैसे ही टकराता है, अटैच होता है, तो ये सेल सिग्नलिंग का कार्य भी करता है। दैट मींस सेल सिग्नलिंग के लिए पाथवे बनाता है, एक रास्ता बनाता है जिससे सेल को सिग्नल मिल सके, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए एक पाथवे भी बनाता है। कौन? आपका जो आईजीएम है वो। और अगर इसके और फंक्शंस की बात की जाए तो आईजीएम इज इन्वॉल्व्ड इन द एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। आईजीएम इनहेंसेस इंजेशन ऑफ सेल्स बाई फैगोसाइटिस। जो आईजीएम जो है ये क्या करता है, जो सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स है उन्हें ये खाना स्टार्ट कर देता है, इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो है इन्हें ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टार्ट कर देता है, इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है उन सेल्स पे जो कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है जिसमें। तो और ये साथ ही साथ जो आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके एंटीजन में भी ये पाया जाता है।
तो कुछ इस प्रकार से आपका ये आईजीएम हो गया। आईजीएम के बाद जो है हमने आईजीए डिस्कस कर लिया, आईजीजी डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखेंगे आपका आईजीई। अगर आईजीई की बात की जाए तो आईजीई जो है बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी में उपस्थित होता है, बहुत कम मात्रा में। ये एकमात्र एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसकी मात्रा बहुत कम रहती है ह्यूमन एंटीबॉडीज के अंदर। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 0.001% सिर्फ इतना ही हिस्सा है जो ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट होता है आईजीई का। आईजीई का कितना है, आईजी कितना परसेंट में, 0.001% में ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन में, ह्यूमन के पूरे एंटीबॉडी में सिर्फ इतना प्रतिशत हिस्सा ही है जो आपके आईजीई एंटीबॉडी का होता है। मतलब ये बहुत मिनट क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी मात्रा में, अल्प मात्रा में ये उपस्थित होते हैं हमारे। किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे अगर मेरी बात अगर मैं करूं तो मुझे जो है ब्रिंजल से, मतलब भंटे से एलर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एलर्जीज की वजह से जो है, एलर्जी जब होती है तो उस कंडीशन में जो है आपका आईजीई जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये उस समय जो है उस काम आता है और उस हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किसी भी एलर्जी से हमें बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो आपका एलर्जी होने की स्थिति में जो इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी काम करती है, वो कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीई। आईजीई का स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा, आपका जैसे लाइट चेन हैवी चेन होता है उसी प्रकार से आपका वाई शेप का ही रहेगा, वाई शेप का ही रहेगा। और यूज इसमें कोई एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई आपका वो नहीं है स्ट्रक्चर वाइज। और अगर इसके और फंक्शन की अगर बात की जाए तो आईजीई बाइंड्स टू मास्क सेल्स एंड बेसोफिल्स विच पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो आईजीई है, जब इन्हें काम करना रहता है तो ये मास्क सेल्स से एंड बेसोफिल्स जो सेल्स होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जब मैंने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आप लोग को पढ़ाया था, तो मास्क सेल्स और आपका बेसोफिल्स जो सेल्स होते हैं, इनसे ये क्या करते हैं, बाइंड होने होकर इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। कौन, आपके आईजीई वाले सेल्स जो हैं। सम साइंटिस्ट थिंक दैट आईजी पर्पस इज टू स्टॉप पैरासाइट। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जब इसके बारे में और रिसर्च किया, जब इसके बारे में और जाना, तो उनका ये कहना है कि जो आईजीई है उसका मेन जो पर्पस है हमारी बॉडी में रहने का, वो ये है कि ये एलर्जी के लिए काम करता है। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चे लोग, आप लोगों को?
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिनट। हाँ, मैं ये बता रही हूँ, इसका जो पर्पस है वो एलर्जी को लेकर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आईजीई हो गया, आईजीए हो गया, आईजीजी हो गया, आईजीएम भी हो गया। अब एक जो हमारा बचा है वो है आपका आईजीडी। चार हो गए, पांच प्रकार के होते हैं हमारे, हम लोगों ने चार पढ़ लिए। अब हमारा एक लास्ट जो बच गया है वो है आपका आईजीडी। आईजीडी अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आईजीडी की बात की जाए तो आईजीडी जो है ह्यूमन एंटीबॉडीज में जितने भी टोटल एंटीबॉडीज होते हैं उनमें लगभग जो है 10%, सॉरी 1% हिस्सा, सिर्फ 1% हिस्सा जो है वो आपका होता है आईजीडी का। तो ओनली 10%। तो सबसे कम क्वांटिटी में आईजीई, उसके बाद थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आईजीडी, उसके बाद अगर देखा जाए तो आईजीएम, फिर आईजीए, फिर आईजीजी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जा रहा है? आईजीजी। और सबसे कम मात्रा में आईजीई। और आईजीई के जस्ट एक स्टेप ऊपर जो है 10% जो हिस्सा जो हमारे पूरे एंटीबॉडी का होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो 10% हिस्सा जो है किससे मिलकर बना होता है? आईजीडी का, डी से, सॉरी 10 नहीं, 1%। 10 लिखती है यहाँ पर, 1% हिस्सा ओनली। ठीक है, तो 1% ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आईजीडी में बी इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन बी सेल्स, बट इट्स एग्जैक्ट फंक्शन रिमेन्स अननोन। साइंटिस्ट लोगों ने जितना इसके बारे में रिसर्च किया है तो इसके एक्चुअल फंक्शन को अभी तक के समझ नहीं पाए हैं साइंटिस्ट, क्योंकि अननोन है अभी तक के इसका जो एक्चुअल फंक्शन है कि एक्चुअली किस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करता है, किस कौन से वाले एंटीजन या फिर किस प्रकार का रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है तो उसके लिए काम करता है, वो अभी भी रिसर्च जो है वो जारी है। अभी तक के उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं चली हैं। कुछ कुछ चीजें ही हैं जो इस एंटीबॉडी के बारे में पता चली है, जैसे कि ये जो एंटीबॉडी है आर एक्सप्रेस्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ इमेच्योर बी लिम्फोसाइट। आपका जो बी लिम्फोसाइट सेल होता है, जिसे हम बी सेल भी जो बोलते हैं, उस बी सेल के जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उस बी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आपका जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है बी सेल की, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एक्सप्रेस होते हैं, मतलब यहाँ पर ये पाए जाते हैं जो आईजीडी होते हैं। एंड जो बी सेल है यहाँ पर, ये बी सेल नॉर्मल बी सेल नहीं रहते हैं। और कौन से वाले बी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे? जो बी सेल इमेच्योर रहेंगे, मतलब जो कंप्लीट मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, वो वाले बी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आईजीडी जो है वो पाए जाते हैं। एंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ सीक्रेटेड फॉर्म दैट इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन ब्लड सीरम। इनका छोटा हिस्सा जो है, कुछ कुछ छोटे छोटे क्वांटिटी में ये ब्लड सीरम में भी पाए जाते हैं। आईजीडी प्लेज अ रोल इन द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अगर इसके अब जितना इसके बारे में पता चला है, अगर उस पर बात की जाए तो आईजीडी जो है उसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक यही बताया है कि जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो बी सेल और टी सेल मिलकर जो एंटीबॉडी बनाते हैं, उस प्रोडक्शन में ये हस्तक्षेप करता है, मतलब एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, ये हेल्प करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने में। लेकिन इसका और क्या काम है, किसी कौन सी बीमारी से लड़ता है, किस प्रकार के रिएक्शन में ये अपना असर दिखाता है, इसके बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चला है। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में इसका हाथ होता है, ये चीज का अभी तक के पता चला है। तो ये आईजीडी हुआ। और इसी के साथ ही आप लोगों का जो कंप्लीट आईजीडी मतलब के साथ आप लोगों का कंप्लीट यहाँ पर खत्म होता है एंटीबॉडी के टाइप्स। तो यहाँ पर आप लोग का एंटीबॉडी के टाइप्स खत्म हुए। और एक मिनट में देख लेती हूँ और कुछ तो नहीं बचा है आप लोगों का।
यहाँ पर हम लोगों का एंटीबॉडी जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने एंटीबॉडी का पूरा, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डीपली पढ़ा, हैवी चेन, लाइट चेन, हिंज रीजन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, किसको कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, वेरिएबल रीजन क्या होते हैं, वेरिएबल रीजन वो रीजन होते हैं जहां पर एंटीजन आकर बाइंड होते हैं और जो चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट रीजन सेम रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है इसलिए उसे कांस्टेंट रीजन बोला जाता है। हैवी चेन, लाइट चेन दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। हिंज रीजन जो है बीच में पाया जाता है, एकदम सेंटर में टर्मिनल एंड्स पर पाया जाता है। CH3 के कुछ ग्रुप्स भी जो है जो टर्मिनल एंड्स में पाए जाते हैं, जिसको मैंने जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब आप लोगों से डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एंटीबॉडीज के टाइप देखे जिसमें IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, इन पांच प्रकारों को हमने डिस्कस किया क्योंकि पांच प्रकार के मेन एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हर एक चीज के लिए इनका फंक्शन बटा हुआ है। इन सभी में जो सबसे सस्पिशियस है वो IgD क्योंकि इसके फंक्शन के बारे में अभी तक की जानकारी नहीं मिली है। अभी तक के जितनी जानकारी मिली है उसके अनुसार सबसे ज्यादा तो ये बस बोला जा रहा है कि बी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही उपस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें बी सेल रिसेप्टर बोला जाता है। बी सेल रिसेप्टर बोला जाता है, मतलब अगर बी सेल से कोई चीज आके टकराती है या जुड़ती है तो उसे रिसीव करने का काम जो है ये IgD करते हैं क्योंकि ये बी सेल के रिसेप्टर होते हैं और रिसेप्टर क्योंकि ये सतह में पाए जा रहे हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो यहाँ कोई चीज आएगी तो इसे रिसीव करने का काम कौन करेगा, IgD ही करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यही फंक्शन अभी तक के पता चला है और ये जो है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन ये किस पर्टिकुलर रिएक्शन में काम करते हैं, कौन सी चीज से हमें बचाते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो फंक्शन है इसके अभी तक अननोन है, जिनके बारे में रिसर्च अभी चल रही है। तो ये आपका खत्म हुआ एंटीबॉडी के टाइप्स एंड आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी जितना भी हमने एंटीबॉडी में अभी तक के पढ़ा है।